दो मुझे। आओ सुनो, तुम दोनों यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? सामान का ख्याल रखना बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नैनीताल चंडीगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है और 3:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। काम मिल गया। अच्छी बात है। कहाँ पर, क्या काम है? वो बड़े से शहर में मैं अकेला मुन्ने को कैसे पालूंगा? तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, साथ दोगी ना? ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ ही हूँ। अपने बेटे के भविष्य के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, हाँ, चलो चलो। नहीं नहीं, मैं लेता हूँ, चलो। मुन्ना तू यही रुक, मैं तेरी मम्मी को उसका नया काम दिखा के आता हूँ। चलो तुम मेरे साथ। नमस्ते सुखा भाई। कौन है ये? मेरी बीवी। भाई जरा देखिए ना, थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो। इतना बहुत है, चल भोट। ये सब क्या है? तुझे बेच डाला। धोखेबाज। क्या कहा था तूने? मेरे बिना जी लेगी तो आप जा, जा जा के मर, जा ले जा इसको। अम्मा, मुन्ना, मुन्ना, छोड़ दो मेरी माँ को, मेरे बच्चे, मुन्ना। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ए, वो पैसा वापस कर। अम्मा, अम्मा। ए, जा पकड़ो उसे, बच के जाना नहीं चाहिए। अम्मा। बोला। मुन्ना! ए, 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 पैसा वापस कर! उसे छोड़ के आ, जाने नहीं चाहिए! मुन्ना, जिस राका ने तेरी जिंदगी तबाह की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये मेरी अपनी जंग है। अभी कहानी या तो राका की मौत से खत्म होगी या मेरी मौत से। ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। ए मुन्ना, ये किस पर्सनल दुश्मनी की बात कर रहा है तू? आज तक साथ में जिए और साथ में मरेंगे भी। जो तेरा दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। मुन्ना, ये धर्म युद्ध है जिसे अकेले नहीं लड़ा जाता। उस जालिम राका को बहुत सी जिंदगियां तबाह करते हुए मैंने देखा है। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर उस इंसान की है जिसने उसके जुल्म सहे हैं, और तुम उन सब की ताकत हो।
मुन्ना, बचपन में जो तेरे साथ बीती है वो कहानी तो तूने सुना दी, पर तू भूल गया उस कहानी में भी बाप मैं ही हूँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तो बता अब आगे क्या करना है। 6 घंटा पुलिस स्टेशन में रहा तू। मुन्ना, इस नाम का डर समझ में आ गया होगा। डर का तो पता नहीं, पर अफसोस, अफसोस कि उस दिन मैंने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया। मार देना चाहिए था। यहां तक आने के लिए बहुतों की बलि चढ़ाई है, तुझे भी चढ़ा देता, शायद यही अच्छा होता। जब पता चल ही गया है वो आपका खून है तो उससे नाराजगी कैसी। बेकार की सलाह नहीं चाहिए। इस घर को एक औरत की दरकार है, इस वजह से तुम यहाँ हो। बस चुपचाप अपना मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहो। शिवा, वक्त देखकर उसका काम तमाम करो। आज के बाद अगर किसी ने मुझे मारने का सोचा, उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि राका अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता। राका अब घायल शेर बन चुका है, वो पलट कर वार जरूर करेगा। राका मुझसे एक ही चीज छीन सकता है, और वो है मेरी अपनी खुद की जान। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राका के नाम को ही खत्म कर दूंगा। मगर कैसे? राका फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी एक ही ताकत है उसकी दौलत, और दौलत उसे मिलती है उसकी फैक्ट्री से। कहने को तो ये दवा की फैक्ट्री है, लेकिन असल में यहाँ बनती हैं नशीली ड्रग्स। इस फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जाता है एक नदी में, और इस पानी को पीकर लोगों में खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। लोग अपाहिज हो रहे हैं, और ऐसे बीमार और अपाहिज लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी वहां का कोई भी आदमी राका के डर की वजह से उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता। अगर हम उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैक्ट्री बंद करने में कामयाब हो गए तो समझो हमने उसकी कमर तोड़ दी। पर कैसे होगी? नाना, मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। मुन्ना अपने इलाके में आ गया भाई। भाई वो मुन्ना आ गया भाई। सुने? हाँ भाई। जिंदा तो गया, पर जिंदा जाने ना पाए। ठीक है भाई, खत्म कर दो। अभी अभी यहां से गुजरा है भाई। माना कि मोबाइल फोन सस्ते हो गए, लेकिन रोड पे सोने वाले के पास भी आ जाए, दाल में कुछ काला लगता है। लाल पानी क्यों निकाला भाई? बस अब यहां से गुजरा, यही तो बताया मैंने। और कौन है तेरे साथ? अबे गंजा, डरा क्यों रहा बे? अरे गोली चला ना, अगर ये बच गया ना तो तू और मैं कुत्ते की मौत मरेंगे। मार डाल। कहाँ मर गए हो? भाई,
अरे आपके सामने तो वो चूजा है, आपने ऐसे कितनों को देखा होगा? नहीं देखा, ऐसा पागल इंसान मैंने नहीं देखा। तो क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? ऐसा नहीं होगा, सियासत के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर उसके किसी करीबी को मार दें तो फिर शायद वो डर जाए। जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की मौत देखी हो, उसके किसी भी पास वाले को मारो तो वो डरेगा नहीं, भड़क उठेगा। राका, किसी ने हमारी फैक्ट्री के खिलाफ अखबार में खबर छपवाई है, लिखा है आग लगाना चाहते हैं। ए, तुझे ये टाइम मिला क्या? क्यों बे, इसके दिल में आग लगी है और तू फैक्ट्री को आग लगा रहा है। जिसने खबर छापी है उसके हाथ काट डाल। तुमने तो कहा था कि तहलका मच जाएगा, देख लो अखबार में अंडे जितनी खबर छपी है और टीवी पर नीचे पट्टी पर चल रही है। मुझे प्रेस से बात करनी होगी। मैंने आप लोगों को एक खबर देने के लिए बुलाया है, एक दरिंदे के खिलाफ। लिखेंगे? बोलिए सर। राका, साइलेंस। डर गए? डर गए, उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ लिखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। काजिम चाचा, राका के खिलाफ खबर छपने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पब्लिक जानती है। ये खबर लोगों तक कैसे पहुंची? आप लोगों की कलम की ताकत की वजह से। समाज में जो कुछ गलत हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। जब भी राका के खिलाफ किसी एक ने लिखा है वो उसे मार देता है, लेकिन अगर आप सब मिलकर उसके खिलाफ लिखेंगे तो मुन्ना आपका साथ देगा। आप राका के खिलाफ हमें न्यूज दीजिए, उसे हेडलाइन बनाकर हम अपने अखबार में छाप देंगे। चलो यहां से। चाचा, कल दो लोग जो एडमिट होने वाले हैं उनमें से एक मरेगा। अरे वो संजय और बिल्लू हैं। कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा।